एक्सरसाइज 10.3 का पार्ट टू। पार्ट वन में हमने कुछ क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन देखा है एक्सरसाइज 10.3 का, तो पार्ट नंबर टू में एक्सरसाइज 10.3 के पार्ट नंबर टू में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो हमें पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं और हमें उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दो पैरेलल लाइन के बीच का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दो पैरेलल लाइन के बीच का c1 - c2 अपॉन अंडर रूट a² + b² यहाँ पर हमारा c1 कितना है, यहाँ पर हमारा c1 है -34 और हमारा c2 कितना है 31 और a और b क्या दिया हुआ है 15 और 8। तो c1 कितना है मेरा -34। c2 मेरा कितना है, c2 मेरा 31 है और यहाँ पर a और b 15 और 8 है। 15 का स्क्वायर होता है 225 और b यानी मेरा क्या है, b यानी मेरा 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 34 - 31 यानी ये आ रहा है मेरा 65। मोड में है, मोड के बाहर आने के बाद पॉजिटिव ही होगी वैल्यू, तो क्या होगा 65। नेगेटिव 65 जो आएगा बाहर वो होगा पॉजिटिव 65। 225 और 64 यानी 289। अंडर रूट में क्या होगा 289, अंडर रूट में 289 और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17। तो D यानी मेरा डिस्टेंस होगा 65 अपॉन 17 यूनिट। ये होगा मेरा डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइन। ये हो गया मेरा क्वेश्चन वन का आंसर। तो क्वेश्चन टू के लिए निकालेंगे हम, फार्मूला तो सेम ही होगा, फार्मूला नहीं मिटाऊंगा मैं, फिर भी मिल गया मेरे से। तो ये होगा a² + b², फार्मूला हमारा यही है। तो c1 और c2 क्या है इस जगह पर, इस जगह पर c1 है मेरा, c1 है p, c1 क्या है p, c2 कितना है -r, -, क्या हो जाएगा प्लस r, अंडर रूट a² + b² अब ये क्या होगा, ये इक्वेशन होगा lx + ly यानी मेरा ए बी एल है और बी भी क्या है एल है, एल बी मतलब ए बी एल है तो ए का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर और बी क्या है, बी मेरा है एल ही, बी भी क्या है मेरा एल ही है। तो एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर कितना होगा 2l का स्क्वायर, कितना होगा 2l का स्क्वायर p, मॉड में p प्लस r और यहाँ पर अंडर रूट में l का स्क्वायर और l का स्क्वायर 2l का स्क्वायर, तो p प्लस r एज इट इज रहेगा। 2 क्या है स्क्वायर रूट में है, l का स्क्वायर है तो स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो वो बन जाएगा l। तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस p प्लस r अपॉन अंडर रूट 2l, ये हो गया मेरा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। ये जो लाइन है इसको पैरेलल जो लाइन है उसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है और वो जो लाइन है कहां से पास हो रही है, वो लाइन पास हो रही है -2, 3 इस पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन और इस लाइन को पैरेलल है। अगर इस लाइन को पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, इसके बराबर होगा। उसका स्लोप भी दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया हुआ है कहां से पास हो रही है, तो मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्या निकाल सकता हूँ, उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो स्लोप पहले तो क्या निकालेंगे, स्लोप इस लाइन का स्लोप किस प्रकार से निकालना है, देखिए 3x - 4y + 2 = 0 इस प्रकार से ये लाइन का इक्वेशन दिया है मुझे। तो ये -4y उस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3x + 2 बचेगा। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये होगा 3/4 और इसे 4 से डिवाइड करने के बाद ये 2/4, 2/4 यानी 1/2, 2/4 यानी क्या है 1/2 यानी मेरा स्लोप कितना है, m है मेरा 3/4, मेरा स्लोप है 3/4 और मेरा y इंटरसेप्ट है 1/2, मेरा y इंटरसेप्ट क्या है 1/2 और मेरा स्लोप कितना है 3/4।
स्लोप क्या होगा इसके पैरेलल लाइन का? इक्वल होगा, यानी 3/4। हमें जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप भी क्या होगा? 3/4। और उसका पॉइंट क्या है? पॉइंट है, स्लोप है 3/4 और पॉइंट है -2, 3। तो y माइनस y1 कितना है? 3 इंटू एम यानी 3/4। एक्स माइनस एक्स वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये +2 हो जाएगा। तो ये 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4y-12 और ये होगा 3x+3 2 6। तो ये जो 4y होगा मेरा उस साइड में जाने के बाद निगेटिव हो जाएगा और ये 12 भी जो है पॉजिटिव वाला उस साइड में जाकर निगेटिव होगा। तो 12+6 यानी 18। तो 18 ये मेरा आ गया है इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन 3x-4y+18=0। ये मेरे लाइन का क्या होगा? इक्वेशन। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या पूछा है? यहाँ पर हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो लाइन परपेंडिकुलर है। किस लाइन को? इस लाइन को, x-7y+5=0। इस लाइन को परपेंडिकुलर है और उसका x इंटरसेप्ट क्या है? x इंटरसेप्ट यानी d है उसका। यहाँ पर d की वैल्यू दी हुई है मुझे 3। मुझे स्लोप निकालना है। मुझे क्या निकालना है? स्लोप। अगर मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट पता है तो मैं स्लोप इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला यूज करके उस लाइन का इक्वेशन बना सकता हूँ। तो इस लाइन का पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। x-7y+5=0 ये मेरी लाइन है, यानी मेरा 7y होगा x+5। 7y क्या होगा मेरा? x+5। तो इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसका कोएफिशिएंट क्या है? 7। तो 7 ये जो मल्टीप्लिकेशन में इस साइड में जाने के बाद डिवाइड होगा, यानी ये 1/7 होगा x+5। तो ये 1/7 क्या आ रहा है मेरा? स्लोप। किसका? इस लाइन का। तो इस परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर जो लाइन इसको परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप होगा। इसका रेसिप्रोकल लेना है। इसका क्या लेना है? रेसिप्रोकल। और उसको निगेटिव कर देना है। रेसिप्रोकल है उसका 7 और ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? निगेटिव। साइन क्या करनी है? चेंज। परपेंडिकुलर होता है तो रेसिप्रोकल करना है और साइन चेंज कर देनी है। अब मुझे डी मिल गया है, मुझे स्लोप मिल गया है, तो मैं इक्वेशन लाइन का निकाल सकता हूँ। उसके लिए मेरा फॉर्मूला होता है y=m(x-d)। तो y तो y ही रहेगा। m की वैल्यू कितनी है? -7। x कितना है? x ही है। d कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है यहाँ पर, यानी ये होगा x-3। तो y मेरा कितना होगा? -7x - +7 3 का कितना होगा? 21। तो ये मेरा हो गया लाइन का इक्वेशन। ये -7x इस साइड में आने के बाद पॉजिटिव, 7x+y और ये 21 जो है इस साइड में आने के बाद निगेटिव हो जाएगा। तो ये बन गया है मेरे लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए इस इक्वेशन को। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है। हमें लाइन के इक्वेशन दिए हुए है और उसका एंगल निकालना है। तो अगर हमें दो लाइन के इक्वेशन दिए हुए है और हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल के लिए फॉर्मूला होता है tan θ √(m2-m1)/(1+m1)(m2)। ये किस में होगा? मॉड में होगा, क्योंकि निगेटिव नहीं चाहिए हमें, पॉजिटिव होगा। मॉड के बाहर आने के बाद ऑलवेज पॉजिटिव। तो m1 और m2 चाहिए हमें, यानी स्लोप चाहिए उस लाइन के। तो चलिए इसका स्लोप निकालेंगे पहले। तो क्या होगा? ये इसको कन्वर्ट कर लेंगे, y = -√3x+1 हो जाएगा। यानी इसका स्लोप क्या मिल रहा है मुझे? -√3। मुझे m1 मिल रहा है -√3। उसी प्रकार से m2 निकालेंगे, m2√3y, ये जो x है उस साइड में जाने के बाद -x+1। ये जो √3 है सब यहाँ से मल्टीप्लाई होकर, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, तो उधर साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो उस साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो y = -1/√3x+1/√3। तो स्लोप क्या आ रहा है यहाँ पर? m2 आ रहा है मेरा m2 मुझे मिल रहा है यहाँ पर m2 = -1/√3। तो चलिए m1 और m2 की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट आउट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर मेरा m2 है -1/√3।
माइनस एम वन, आई एम टू माइनस एम वन, माइनस वन अपॉन रूट थ्री, फिर लेंगे माइनस 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 क्या हो जाएगा ये प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू, एम वन इंटू एम टू यानी रूट थ्री इंटू माइनस वन अपॉन रूट थ्री। चलिए इसका तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये क्या होगा माइनस वन रूट थ्री इंटू रूट थ्री यानी माइनस वन और रूट थ्री, ये मोड के लिए हाँ माइनस वन रूट थ्री इंटू रूट थ्री यानी थ्री, रूट गायब हो जाएगा ना, थ्री आ जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री यानी रूट नाइन, और रूट नाइन यानी होता है उसका स्क्वायर रूट के बाद निकलने बाद थ्री अपॉन में क्या होगा रूट थ्री, तो ये नीचे चला जाएगा अपॉन वाला, ये माइनस रूट थ्री, ये निगेटिव निगेटिव तो पहले तो पॉजिटिव हो जाएगा, रूट थ्री और रूट थ्री कैंसिल होगा, वन प्लस वन यानी कितना होगा टू, वन प्लस वन कितना होगा टू होगा, और ये माइनस वन प्लस थ्री यानी कितना होगा माइनस वन प्लस थ्री यानी ये भी क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, टू अपॉन टू रूट थ्री, तो टू टू कैंसिल हो गया, कितना बच रहा है वन बाय रूट थ्री, किसकी वैल्यू है ये टेन थीटा की, अगर टेन थीटा टेन थीटा अगर वन बाय रूट थ्री है तो थीटा क्या होगा मेरा एंगल, थीटा क्या होगा मेरा एंगल, थीटा होगा मेरा एंगल थर्टी डिग्री, क्योंकि टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट थ्री, तो एंगल मिल गया मुझे, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर टेन देखिए, क्वेश्चन नंबर टेन में क्या पूछा है यहाँ पर, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है ये दो पॉइंट से क्या हो रही है पास हो रही है और इंटरसेक्ट हो रही है दूसरी और लाइन को, जिस लाइन का इक्वेशन है 7x माइनस 9y माइनस 90 इक्वल टू जीरो, और किस इंटरसेक्ट हो रही है तो एंगल की क्या है उनके बीच में, उनके बीच में हो रहा है एंगल राइट एंगल यानी 90 डिग्री का, दो लाइन है उनके बीच का एंगल राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल है, तो हमें h की वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है फाइंड करनी है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, दो लाइन क्या है दो लाइन हमारे परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप, उनका स्लोप अगर एक लाइन का m1 दूसरे लाइन का स्लोप है m2 तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है माइनस वन होता है। तो देखिए पहली लाइन किस में से पास हो रही है, ये दो पॉइंट में से, यानी m1 को क्या होगा हमारा, हमारा m1 होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया हमारा पहले लाइन का स्लोप, माइनस टू अपॉन फोर माइनस h, ये हो गया मेरा पहले लाइन का स्लोप। सेकेंड लाइन उसको जो परपेंडिकुलर है यानी दोनों एंगल दोनों में राइट एंगल है वो वाली लाइन m2, इसका स्लोप क्या होगा इसे देखिए, अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर स्लोप पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो ये क्या होगा, ये जो माइनस y है जो उस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा उस साइड में, फिर यह इस साइड में क्या बचेगा 7x माइनस 90, 7x माइनस 90, इस 9y को क्या किया मैंने इक्वल टू के उस साइड में लेकर चला गया, अब ये जो 9 है इससे मैं डिवाइड कर दूंगा इसे, तो मेरा m2, m2 क्या होगा मेरा 7 अपॉन 9, मेरा m2 क्या होगा 7 अपॉन 9, m1 भी मिल गया मुझे m2 भी मिल गया, m1 कितना है माइनस टू अपॉन फोर माइनस एच पुट कर दिया मैंने, m2 कितना है मेरा 7 अपॉन 9 और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है माइनस वन, तो माइनस टू इंटू सेवन कितना होगा माइनस 14, 9 इंटू फोर 36 माइनस 9h, 36 माइनस 9h और ये माइनस वन इस साइड में चला जाएगा जब ये, तो ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा, अभी डिवीजन में है ना इनका क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये 36 होगा निगेटिव, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन क्या हो जाएंगे चेंज, साइन क्या होगा चेंज होगा, तो 9h इक्वल टू ये जो माइनस 36 है इस साइड में आने के बाद पॉजिटिव वाले 36 होंगे, पॉजिटिव वाले 36 माइनस 14, 36 में से 14 चला गया, 36 में से कितना चला गया
14 चला गया तो कितना बचेगा, ये 2 और ये 2, 22, और ये जो 9 है मल्टीप्लिकेशन वाले इस साइड में आने के बाद डिवीजन में चला जाएगा, तो मेरा h होगा, मेरा h यानी मेरा ये वाला पॉइंट कितना होगा 22.3, h की वैल्यू मेरी क्या होगी 22/3 कॉमन है, 22/9, मेरी h की वैल्यू है और हमें h की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में जो लाइन है वो लाइन कहां से पास हो रही है, x1 y1 से, और वो लाइन पैरेलल है इस लाइन को, ax + by + = 0, तो हमें क्या प्रूव करना है, यह हमें प्रूव करना है। तो अगर इस लाइन को पैरेलल है, हमें जो लाइन चाहिए वो लाइन किसको पैरेलल है, इस लाइन को पैरेलल है, तो स्लोप क्या होगा, इसके बराबर ही होगा, स्लोप इक्वल होगा इसके इक्वल, इसका स्लोप निकालेंगे हम, by = ये जो ax है इस साइड में जाने के बाद माइनस हो जाएगा, और ये cb क्या है उस साइड में जाने के बाद निगेटिव हो जाएगा, और ये b क्या चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में, यानी मुझे स्लोप मिलता है, स्लोप क्या मिलता है -a/b, और कौन से पॉइंट से जा रही है लाइन, इस पॉइंट से जा रही है x1 y1 से। अगर मुझे स्लोप पता है और अगर मुझे पॉइंट पता है जिसमें से लाइन पास हो रही है, तो मेरा इक्वेशन होगा y - y1 = m × x - x1, और मेरा स्लोप क्या है, मेरा स्लोप है -a/b, क्या है -a/b, तो ये जो b है इस साइड में जाने के बाद मल्टीप्लाई होगा b ब्रैकेट में y - y1 = -a (x - x1) ये जो नेगेटिव है इस साइड में आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव a x - x1 + positive b (y - y1) = 0, और हमें ये तो प्रूव करना था, तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, दो लाइन है वो जो पास हो रहे हैं और इंटरसेक्ट हो रहे हैं कौन से पॉइंट पर, 2.3, अगर उस उन दोनों के दोनों लाइन के बीच में जब अगर एंगल होगा 60 डिग्री, दो लाइन है और दो लाइन के बीच में अगर एंगल होगा 60 डिग्री और इंटरसेक्ट हो रहे हैं कौन से पॉइंट पर, 2.3, इस पॉइंट पर, अगर एक लाइन का स्लोप 2 है तो दूसरे लाइन का स्लोप हमें पता नहीं है, दूसरे लाइन का स्लोप हमें निकालना है और उसका इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है, दूसरे लाइन का क्या करना है हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए, अगर दो लाइन है बना रहे हैं एंगल क्या बना रहे हैं थीटा, तो हमें पता है tan थीटा = m2 - m1/1 + m1 × m2, यहाँ पर एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है यानी m1 दिया हुआ है हमें, 2 m2 हमें पता करना है, tan थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री और एक स्लोप दिया हुआ है 2, दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है हमें, तो tan 60 = m2 - m1 कितना है 2/1 + m1 दिया हुआ है 2 × m2, tan 60 कितना होता है √3 √3 = m2 - 2/1 + 2m2, अब ये यहाँ इस साइड में आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा √3 + 2√3 m2 = m2 - 2, ये m2 को इस साइड में लेंगे और उस नंबर को उस साइड में लेकर जाएंगे तो क्या होगा वो 2√3 m2, इस साइड में आने के बाद m2 क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये √3 उस साइड में जाने के बाद माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव 2 ऑलरेडी है यहाँ पर और ये √3 इस साइड में आने के बाद नेगेटिव हो गया, तो m2 इसमें कॉमन लेंगे √3 - 1 और इसमें से माइनस कॉमन निकलेगा तो 2 + √3, ये जो मल्टीप्लिकेशन में है उस साइड में जाने के बाद डिवीजन में -2 + √3/√3 - 1,
ये सेकंड लाइन का स्लोप है, अगर ये नेगेटिव है तो इस नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2+√3 नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद ये चेंज हो जाएगा m2, तो m2 मेरा क्या आ रहा है 2+√3/1-2√3। और मुझे क्या पता है, पॉइंट पता है जिसमें से ये पास हो रहा है, मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी एक स्लोप पता है मुझे लाइन का और पॉइंट पता है, पॉइंट क्या है 2, 3। मुझे स्लोप भी पता है पॉइंट भी पता है, तो इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके। चलिए स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे और इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे लाइन का। स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन y-y1 = m(x-x1) होता है। यहाँ पर स्लोप कितना दिया हुआ है 2+√3/1-2√3। x एज इट इज, कौन से पॉइंट से जा रहा है वो 2, 3। तो देखिए ये है x1 और ये है y1। x1 कितना है 2, y1 कितना है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y-3 इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, 1-2√3 के साथ, और ये 2+√3 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, 2+√3 इसका मल्टीप्लीकेशन x-2 के साथ। अब ये y से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा 1-2√3 और y, फिर -3 से इसे मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा -3 --+6√3। -3 -+2√3। इसे भी उसी प्रकार से 2√3 x के साथ मल्टीप्लाई किया पहले मैंने, फिर -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा -4 ± -√3। x वाली टर्म एज इट इज 2+√3 x, y वाली टर्म इस साइड की उस साइड में लेकर जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगी फिर 1-2√3 y। और ये जो टर्म थी इस साइड की, इस साइड में आने के बाद नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाएगी, तो 4-3 यानी +1, ये नेगेटिव साइड में आने के बाद फिर से पॉजिटिव हो जाएगा 6√3 और 2√3 यानी 8√3। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन लाइन का, और हमें अदर लाइन का इक्वेशन ही फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा अदर लाइन का इक्वेशन बन गया। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या पूछा है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है उस बाइसेक्टर का जो इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है। कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, ये अगर लाइन निकालेंगे हम, ये सेगमेंट है मतलब ये पॉइंट है उस लाइन के ऊपर 3, 4 और -1, 2, तो ये कोई तो भी राइट बाइसेक्टर है इसके लिए, इसे बाइसेक्ट करने वाला। हमें इस लाइन का इक्वेशन बनाना है, ये राइट बाइसेक्टर। पहले तो ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, ये मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट कर रहा है यानी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है x1+x2/2, 3-1/2 यानी 2/2 यानी 1 होगा, y1+y2 4+2 6, 6/2 यानी 6/2 यानी 3। एक पॉइंट मिल गया हमें, अब ये बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दो लाइन क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप हमें मिल जाएगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा उसे हम कहेंगे m2। तो m2 क्या है हमारा 4-2/3+1, 4-2 y2-y1/x2-x1 -+1 के 2/4 यानी 1/2, इसका स्लोप क्या है
वन बाई टू है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, यानी मेरा एम वन का स्लोप होगा इसका रेसिप्रोकल निगेटिव रेसिप्रोकल, टू और माइनस टू हो गया निगेटिव रेसिप्रोकल। तो हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है 1.3, तो स्लोप पॉइंट वाला इक्वेशन वाला बना, स्लोप पॉइंट का फॉर्म का इक्वेशन बनाएंगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, m क्या है माइनस टू, y1 कितना है 3, x1 कितना है 1, x1 कितना है 1, x माइनस x1, y माइनस y1 ये स्लोप, x माइनस x1 माइनस 2x प्लस 2 और ये y माइनस 3, ये जो माइनस 2x है इस साइड में आने के बाद पॉजिटिव प्लस y, ये जो 2 है इस साइड में आने के बाद निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। देखिए 2x पॉजिटिव हो गया, 2 नेगेटिव हो गया, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और y एज इट इज है, तो ये बन गया हमारा इस लाइन का इक्वेशन, लाइन यानी इस बाइसेक्टर का इक्वेशन, और हमें यही निकालना था, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं किसके, एक फूट मतलब एक पॉइंट है माइनस 1.3 और एक लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन क्या है 3x माइनस 4y माइनस 16, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू जीरो, ये इस लाइन का इक्वेशन है और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं क्या करता हूँ एक लाइन ड्रॉप करता हूँ, और इस ये जहाँ पर मिलता है बाकी कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने, सपोज इसके कोऑर्डिनेट है a कॉमा b, फाइंड द फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लिया है मैंने, और ये जहाँ पर मीट कर रहा है इस लाइन को वहाँ के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, और इस लाइन का इक्वेशन हमें दिया है। अब ये जो निकाला है मैंने ये क्या है परपेंडिकुलर है, क्या निकाला है मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी इसका स्लोप अगर मुझे पता है तो इसका स्लोप मुझे पता चल जाएगा, अगर मुझे इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूँ, इसका स्लोप पता है मुझे और ये पॉइंट पता है तो मैं इस लाइन का इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ, इस लाइन का इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ, इक्वेशन की तो जरूरत नहीं है वैसे, हमें क्या निकालना है ये पॉइंट निकालना है, अगर मुझे स्लोप पता चल गया इस लाइन का तो मैं स्लोप का फॉर्मूला यूज करके इसकी कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ ऑब्वियसली। चलिए इसका पहले तो स्लोप निकालेंगे उस लाइन का, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा 4y अगर उधर चला गया तो पॉजिटिव, फिर यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 16, ये जो 4 है मल्टीप्लीकेशन में ये इस साइड में जाकर डिवाइड हो जाएंगे, तो इस लाइन का स्लोप क्या है 3/4, ये इस लाइन का स्लोप है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा उस लाइन को हम स्लोप को कहेंगे हम एम वन, और वो स्लोप है इसका रेसिप्रोकल यानी 4/3, वो भी किसमें निगेटिव में, ये मिल गया हमें इस लाइन का स्लोप, क्या है इस लाइन का स्लोप 4/3 निगेटिव वाला। तो चलिए अब स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला, वाई टू माइनस वाई वन यानी बी माइनस 3 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन यानी ए माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस वन, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4a माइनस 4 इक्वल टू 3b माइनस 9, 3b माइनस 9 माइनस 4a उस साइड में जाने के बाद प्लस 4a प्लस 3b, ये माइनस 4 उस साइड में जाने के बाद नहीं इसको जिस साइड में ले रही है 4a प्लस 3b ये माइनस 9 इस साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस 9, और 9 में से 4 चला गया यानी 5 बचेगा, 9 में से 4 चला गया यानी 5 बचेगा, तो ये बन गया मेरा इक्वेशन 1, इसे कहेंगे इक्वेशन 1।
अब ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, 3x-4y-16, और ये a कॉमा बी पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है, यानी a कॉमा बी क्या करता है, इस लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है। यानी 3x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, -4 y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, b लिख सकता हूँ, -16 उस साइड में जाने के बाद प्लस हो जाएगा और ये बनेगा इक्वेशन 2। ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया, ये मेरा इक्वेशन 2 बन गया। अगर मैं इसे ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ पे 4a है, यहाँ पर 3a है। मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से और इसे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बनेगा मेरा, 12a प्लस 9b इक्वल टू 15। इसे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बनेगा मेरा, 12a माइनस 16b इज इक्वल टू 64। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो साइन क्या होंगे, चेंज। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, कैंसल। 9b और 16b होता है 25b, और 64 में से 15 चला गया, 64 में से 15 चला गया, 64 और ये 15, 9, 5 में से 1 यानी 49, कौन सा, नेगेटिव, क्योंकि बड़े का साइन देना है। तो b मुझे क्या मिलेगा, -49/25। ये क्या हो गया मेरा पॉइंट b। अभी क्या निकालना है मुझे, पॉइंट a निकालना है। तभी इसे दो इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिए आप, यहाँ पर 3b है, यहाँ पर 4b है। इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसका काम हो गया हमारा। इसे क्या करना है मुझे, इसे मल्टीप्लाई करना है 4 से और इसे 3 से। इसे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा 16a प्लस 12b इज इक्वल टू 20। 16, 12 और 5 फोर 20। इसे 3 से 9a माइनस 12b फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, उससे 3 से 3 और 16। तो 16a और 9a कितना हो जाएगा, 25a, और ये 20 और 48 कितना होगा, 68। ये 25 जो मल्टीप्लिकेशन में इस साइड में जाने के बाद डिवीजन में चला जाएगा, तो ये 68 डिवाइडेड बाय 25, ये मिल गया मुझे a की वैल्यू। मेरे b की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, -49/25। तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जिसे मुझे फाइंड आउट करना है, वो कोऑर्डिनेट होंगे a यानी 68/25, बी यानी -49/25। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जिसे मुझे फाइंड आउट करना था। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है हमें, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन है, सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारी ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लाइन के ऊपर, ये सपोज लाइन है, और इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें, y इक्वल टू mx प्लस c। और ये कहां पर मीट कर रहा है पॉइंट, -1, 2 पर। कहां पर मीट कर रहा है, -1, 2 इस पॉइंट पर मीट कर रहा है इस लाइन को। तो हमें m एंड c की वैल्यू निकालनी है, m यानी इसका स्लोप निकालना है और c यानी इसका y इंटरसेप्ट निकालना है। ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0। हमें दो पॉइंट पता है तो इसका स्लोप निकाल सकता हूं मैं इस लाइन का, परपेंडिकुलर लाइन का। इसे कहेंगे m1, तो m1 का स्लोप होगा मेरा y2-y1, तो 0 है, अपॉन x2-x1 भी 0 है, तो इसका स्लोप क्या होगा, -2। अब ये लाइन जो है y इक्वल टू mx प्लस c वाली, इसको परपेंडिकुलर है, यानी उस लाइन का स्लोप यानी m की वैल्यू मेरी क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल लेना है और उसे साइन चेंज करना है, नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया है मेरा, 1/2, यानी m की वैल्यू मेरी क्या आ गई है, 1/2। अब y इक्वल टू mx प्लस c, ये इस लाइन का इक्वेशन है, उसी लाइन पर का हमें एक पॉइंट पता है, -1, 2।
तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि उसी लाइन पर है वो पॉइंट, यानी इस इक्वेशन को, इस लाइन के इक्वेशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी मेरा वाई है 2, एम है मेरा 1/2, एक्स मेरा -1, उसी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 2 = -1/2 + c, ये -1/2 इस साइड लाने के बाद ऐड हो जाएगा, 2 में हाफ ऐड गया, ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा 2.5, और 2.5 को हम लिखते हैं 5/2। तो ये बन गया मेरा वाई इंटरसेप्ट सी, और अब मुझे यही निकालना था, यम मिल गया मुझे 1/2 और सी 5/2। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया है, पी एंड क्यू जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ये परपेंडिकुलर लेंथ है ओरिजिन से, ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर रिस्पेक्टिवली, तो हमें ये प्रूव करना है। यानी मुझे नॉर्मल की लेंथ दी हुई है, यहाँ पर क्या दिया है मुझे, नॉर्मल की लेंथ दी हुई है यहाँ पर, और मुझे ये प्रूव करना है। अब जनरल इक्वेशन जो होता है लाइन का, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं जनरल इक्वेशन के साथ इसे अगर कंपेयर करता हूं तो a क्या मिल रहा है मुझे, कैपिटल a cos थीटा, b क्या मिल रहा है मुझे, माइनस साइन थीटा, और c क्या मिल रहा है मुझे, माइनस k cos 2 थीटा। ये मिल गया मुझे सी। अगर मुझे नॉर्मल की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो नॉर्मल की लेंथ को हम डिनोट करते हैं पी से, और उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सी होता है मॉड में, ये सी किस में होता है, मॉड में, यानी ये नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, के कॉस टू थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए क्या है मेरा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, यानी मेरा पी आ गया है के कॉस 2 थीटा। उसी प्रकार से इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए ए क्या होगा मेरा सेक थीटा, बी क्या होगा मेरा कोसेक थीटा, और मेरा सी होगा माइनस के, सी क्या होगा माइनस के। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की लेंथ को क्या बताया है Q, तो Q के लिए फॉर्मूला होगा C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिक नॉर्मल की लेंथ के लिए ये फॉर्मूला है हमारा, नॉर्मल की लेंथ को Q कहा गया है इसलिए Q लिखा है मैंने यहाँ पर। तो ये C है मेरा मॉड में, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर प्लस अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्यू इज इक्वल के एज इट इज रहेगा मेरा। अब सेक जो थीटा है, सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos θ, यानी ये हो जाएगा 1/cos²θ प्लस ये हो जाएगा 1/sin²θ। इसका करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये अंडर रूट में था तो स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और वो अगर मैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर होता है तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अंडर रूट में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो इसके तरह 1 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो Q क्या मिल गया मेरा, K साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मिल गया मुझे Q, और P है मेरा K cos 2 थीटा। अब मुझे ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए मैं पहले इसे रफ कर देता हूँ, P और Q की वैल्यू मुझे कम मिलेगी, सिर्फ P और Q की, ये K, P की वैल्यू क्या है मेरी K cos 2 थीटा, पीक वैल्यू है मेरी K cos 2 थीटा।
लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, लेफ्ट हैंड साइड पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर क्या है ये के स्क्वायर साइन नहीं सॉरी कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस फोर इंटू किसका स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर यानी इसका ये क्यू का स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में के स्क्वायर है, के स्क्वायर को निकाल दूंगा कॉमन तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और टू थीटा कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस इसका स्क्वायर रूट होता है टू, यानी मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ टू इंटू साइन थीटा टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इन सब का होल स्क्वायर, देखिए टू का फोर साइन का साइन स्क्वायर थीटा कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा और इसके स्क्वायर को मैंने क्या कर लिया है कॉमन निकाल लिया है तो ये हो गया मेरा के स्क्वायर, ये है कॉस स्क्वायर टू थीटा। अब इसे जरा सा ऑब्जर्व कीजिए ये किसका फॉर्मूला है साइन टू थीटा का फॉर्मूला है और इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टू थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी होता है वन, तो वन से किसी भी चीज को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एज इट इज आ जाएगी तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है के स्क्वायर, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और हमें यही प्रूव करना था तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी नाम का एक ट्राइंगल है, ये है ए ये है बी और ये है सी और एक एल्टीट्यूड आ रहा है कहां से फ्रॉम ए फ्रॉम द वर्टेक्स ए से क्या मिल रहा है मुझे एक एल्टीट्यूड आ रहा है यहाँ पर। अब मुझे पॉइंट दिए हुए हैं ए के पॉइंट क्या है कोऑर्डिनेट पॉइंट 2, 3, बी के क्या है 4, -1 और सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 1, 2, सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट है 1, 2। तो जो मुझे इक्वेशन किसका फाइंड करना है इक्वेशन और लेंथ फाइंड आउट करनी है इस अल्टीट्यूड की, ये जो ए इसको नाम दूंगा मैं डी, ए डी की जो लेंथ है और जो इक्वेशन है वो मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक पॉइंट है, अगर मुझे इसका स्लोप मिलेगा तो मैं पॉइंट पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन निकाल सकता हूँ। इसका मुझे स्लोप कैसे मिलेगा, मुझे अगर इसका स्लोप पता है बीसी का स्लोप अगर मुझे पता है तो मैं एडी का निकाल सकता हूँ क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो बीसी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, बीसी के स्लोप को कहेंगे एम टू, तो एम टू क्या होगा मेरा वाई टू माइनस वाई वन, टू माइनस 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 प्लस ये वन हो गया, फिर वन माइनस फोर टू माइनस माइनस प्लस वन अपॉन वन माइनस ये फोर, तो ये थ्री अपॉन क्या होगा माइनस थ्री यानी इसका स्लोप होगा मेरा माइनस वन, बीसी लाइन का स्लोप क्या हो गया है मेरा माइनस वन, तो एडी का स्लोप क्या होगा एडी परपेंडिकुलर है तो इसका रेसिप्रोकल लेना है मुझे, माइनस वन का रेसिप्रोकल क्या आएगा माइनस वन ही आएगा और उसे साइन चेंज करना है तो माइनस वन का साइन चेंज करने के बाद प्लस वन, यानी मेरा एडी का स्लोप एम वन का स्लोप क्या है वन है, मेरा एडी का स्लोप क्या है वन है, मुझे स्लोप भी पता है और एक पॉइंट भी पता है तो मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन बना सकता हूँ। स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, तो y1 क्या है मेरा y1 है 3, स्लोप 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से अगर किसी भी चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज हो जाएगा, और x1 कितना है मेरा 2 है, x1 कितना है 2, देखिए 2, 3 y1 ये x1, तो चलिए ये इक्वेशन बनेगा x ये माइनस टू ये y उस साइड में जाने के बाद माइनस y और ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा उस साइड में जाने के बाद, तो ये बनेगा मेरा इक्वेशन x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 माइनस 2 प्लस 3 यानी प्लस 1 x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या बन गया मेरा इस अल्टीट्यूड का इक्वेशन, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है इस अल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकता हूं मैं, मुझे एक पॉइंट पता है दूसरी लाइन का इक्वेशन अगर मुझे पता है तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे एक पॉइंट और दूसरी लाइन का इक्वेशन पता है तो उसका डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं ना, तो चलिए निकालेंगे। फिर मुझे क्या चाहिए उसके लिए
इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, BC का इक्वेशन। तो AD का इक्वेशन तो लिख लीजिए आप। BC का स्लोप कितना आया था मेरा? BC का स्लोप था मेरा -1। BC का स्लोप क्या था? -1। y माइनस y1 माइनस -1 हो जाएगा ये, और नीचे x माइनस x1 y माइनस y1, यानी ये हो जाएगा y माइनस -1 यानी +1 अपॉन x माइनस x1 यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू स्लोप होगा, स्लोप है -1। स्लोप कितना है मेरा? -1। तो यहां पर होगा ये क्रॉस में कितना है y+1 इक्वल टू, अगर मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे -x, और ये +4। ये -x इस साइड में आने के बाद +x होगा, और ये पॉजिटिव वाला y क्योंकि इसकी साइड चेंज नहीं हुई है, और ये 4 क्या है? ये 4 पॉजिटिव है, इस साइड में आने के बाद नेगेटिव हो जाएगा। तो ये x+y-3 इक्वल टू 0, x+y-3 = 0। ये क्या बन गया इस लाइन का इक्वेशन, किसी का क्या बन गया है? ये इक्वेशन बन गया है। तो a कितना है मेरा? a1, b1 है मेरा, और c कितना है? -3। मुझे लाइन का मतलब इक्वेशन पता है और ये पॉइंट भी पता है, तो डिस्टेंस यानी इसकी लेंथ, एडी की लेंथ निकाल सकता हूँ मैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है d (ax1+by1+c)√a² + b² ये इसका फॉर्मूला होता है। a कितना है मेरा? a है 1, a क्या है मेरा? 1 इंटू x1 क्या है मेरा? x1 है, ये देखिए कौन से पॉइंट से निकालना है, इस पॉइंट से, तो ये बन गया x1 y1। तो 1 इंटू क्या है x1? 2 प्लस b की वैल्यू क्या है मेरी? b की वैल्यू भी 1 है, तो 1 इंटू y1 कितना है? 3 प्लस c कितना है मेरा? c है मेरा -3, c की वैल्यू है मेरी -3 अपॉन अंडर रूट a² + b² a² यानी 1 का स्क्वायर, b यानी b 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। ये पॉजिटिव 3 ये नेगेटिव 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 × 3 = 3 यानी पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 कैंसिल हो गया, और ये बचेगा 2, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2। 2 को अगर मैं अंडर रूट 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा डिस्टेंस बन गया है √2 यूनिट। ये बन गया है मेरा अल्टीट्यूड का ये लेंथ, एडी की क्या बन गई मुझे? लेंथ। और मुझे क्या फाइंड आउट करना था? एडी की लेंथ फाइंड आउट करना था। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है हमें? पी एक लेंथ है परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन टू दी लाइन हुज इंटरसेक्ट ऑन दी एक्सिस आर ए एंड बी। एक ओरिजिन, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाल सकता हूं, अगर निकालता हूं P इज लाइन फॉर्म परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन, ये अगर लाइन है हमारी ओरिजिन से है, यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ओरिजिन से, और इसके इंटरसेप्ट, इस लाइन के इंटरसेप्ट क्या है? a, b, यानी ये 0, b होगा, ये क्या होगा? 0, b, और ये a, 0। देन हमें ये शो करना है। तो अगर इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला होता है, मतलब इक्वेशन होता है लाइन का, x/a + y/b = 1। ये होता है हमारा इंटरसेप्ट वाला लाइन का इक्वेशन। तो चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये bx + ay = क्या हो जाएगा? ab, और ये ab उस साइड में है, इस साइड में आने के बाद निगेटिव हो जाएगा। तो ये बन गया मेरा लाइन का इक्वेशन। अब ये परपेंडिकुलर है, यानी ये क्या है? ये एक नॉर्मल है ओरिजिन से परपेंडिकुलर, यानी वो है नॉर्मल, और नॉर्मल की अगर मुझे लेंथ निकालनी है, मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है उसकी लेंथ। लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है d(mod of ax1+by1+c)
अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेंथ निकाल के लेने के लिए ये फॉर्मूला होता है, एक पॉइंट और एक लाइन दी हुई है, पॉइंट क्या है 0,0 और ये लाइन है, लाइन का इक्वेशन मुझे पता है तो इसकी लेंथ मैं निकाल सकता हूँ। डी डी क्या है इसकी लेंथ है समझा। तो ए एक्स वन, एक्स वन और वाई वन क्या दिया है यहाँ पर 0,0, एक्स वन और वाई वन क्या है मेरा 0,0, तो ये क्या होगा मेरा ए 0 प्लस बी 0 प्लस सी, सी क्या है मेरा देखिए सी क्या है मेरा माइनस ए बी माइनस ए बी, ए क्या है मेरा ए है बी, कैपिटल वाला बी क्या है मेरा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर यानी ये बी स्क्वायर और ये कैपिटल वाला बी यानी ये, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई आने के बाद 0,0 बचे होगा और ये सिर्फ बचेगा मॉड में आने के बाद, मतलब मॉड से बाहर निकालने के बाद पॉजिटिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिल रही है मुझे डी की, डी यानी डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल की डिस्टेंस को, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से, तो ये डिस्टेंस को मैं डी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ पी लिख सकता हूँ। तो यह अब क्या होगा वो स्क्वेयर करेंगे हम अंडर रूट में इसलिए स्क्वेयर करेंगे, तो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसका लेंगे हम रेसिप्रोकल दोनों साइड से रेसिप्रोकल, तो वन अपॉन पी स्क्वेयर इज इक्वल टू इसका भी रेसिप्रोकल ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, इसे कर देंगे सेपरेट, इसे क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके नीचे भी और इसके भी नीचे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल होगा बी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा वन अपॉन ए स्क्वायर एक बच रहा है प्लस को प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर भी बच रहा है, तो पी स्क्वायर वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर, और मुझे क्या प्रूव करना था यही प्रूव करना था, तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए।